और सीधा उनको हॉस्पिटल पहुँचा देना, ठीक है। अच्छा, अगर रिकवरी अभी आ रहा है, अगर रिकवरी पोजिशन में वो बंदे को डालते हैं, हार्ट चल हो गया, सांस चल हो गया, रिकवरी पोजिशन में डाल दिया, अगर एम्बुलेंस नहीं आई है तो बार बार चेक करते रहना भाई हार्ट चल रहा है कि नहीं और सांस चल रही है कि नहीं चल रही, हो सकता है फिर से बंद हो जाए, वो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते रहो, ठीक है। सॉल्वेंट इसका शेप भी हार्ट के जैसे, ठीक है, या तो फर्स्ट एड बॉक्स है इसके अंदर रखा रहता है सॉल्वेंट सब कुछ रखा हुआ, और जब अगर खत्म हो गई तो और जाएंगे, फिर सस्ती होती महंगी नहीं होती। आप चाहे तो अपने पास पर पॉकेट में तीन चार रख सकते थे, आपके सामने कोई बंदा हार्ट अटैक आ गया उसका भी कर सकते हो, नॉट वेरी एक्सपेंसिव, बहुत सस्ती होती है, बस इसे एक्सपायरी डेट का ध्यान देना आप लोगों को, ठीक है, समझ गए। अच्छा, अभी अगर किसी बंदे को एकदम से चक्कर आ रहा, अभी हार्ट अटैक देखो डिजीनेस में आ गया, आते इधर क्लाइंट सदर सुबह से कुछ खाए नहीं चक्कर आ रहा, तो क्या करना है, खिड़की के पास या खुले हवा के आसपास लेग एलिवेट करके लेटा दो, ठीक है। जैसे मैं 5 मिनट शाम को करा था, खिड़की के पास जहाँ खुली हवा, अगर एसी चले तो एसी वैसी बंद करके खिड़की खोल के खिड़की के पास लेटा दो, समझिए, लेग एलिवेशन के ताकि ब्लड ऊपर आए, समझ गया ना, वही टेस्ट होएगा ये सबका। अभी अगर किसी को, ये बहुत जरूरी है, ये तो हर एक इंसान को पता होना चाहिए, अगर किसी को मिर्गी का दौरा पड़ा, अगर किसी को हार्ट अटैक ये सीजर आ, तो क्या करेंगे आप, जो पिक्चरों में दिखाते हो बिल्कुल नहीं है, कि जूता सुखाओ, ये करो वो करो, मुंह में कुछ रखो, बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। अगर किसी को मिर्गी का दौरा आ रहा है तो उसको पता भी नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, वो तकलीफ में नहीं है, उसको कुछ एहसास नहीं होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, इसमें लक्षण क्या होते हैं, एकदम से बॉडी ऐसे होने लगती है, समझे क्या बोल रहा हूँ। सीजर ऐसे बहुत अलग अलग किस्म के होते हैं, एक ही सीजर, तीन सीजर, तीन टाइप के सीजर्स होते हैं, एपिलेप्सी जो बोलते हैं जिसको, उसमें सिर्फ एक ही होता है जिसमें सामने सामने ऐसा, एक तो होता है सामने बैठा रहेगा, आप ऊपर चली जाएगी, आपसे बात करेगा वो पता भी नहीं चलेगा कि उसमें सीजर रखेगा, उसको भी पता नहीं चलेगा, बस आँख कैसे ऊपर चली जाएगी उसको कुछ सेकंड्स के लिए, और उसको कुछ एहसास नहीं होगा 5 सेकंड में क्या होगा, कुछ पता नहीं, आपको भी पता नहीं चलेगा, तो आप नॉर्मल बैठा रहेगा ऐसे थोड़ा सा होगा, और एक सीजर ऐसा होता है नाम भूल गया, पेटिंग माल होता है, ग्रैंड माल होता है, और एक उसको होता है, तो बस ऐसे करके ना एकदम से गिर जाएंगे, बहुत बॉडी ऐसे कन्वल्स करेंगे, कन्वल्जन आएंगे उनके बॉडी, ठीक है। उस समय आपको एक चीज़ का मैं विश्वास दिलाता हूँ, उसको कोई दर्द नहीं हो रहा, कोई तकलीफ नहीं हो रही, कोई परेशानी नहीं हो रही, उसको पता ही नहीं है क्या हो रहा है उससे, और बाद में भी पता नहीं चलेगा उसको, अरे यार मेरे को बहुत जोर दर्द हो रहा है, वो कुछ नहीं पता चलेगा। इसमें सब आपको ये करना है, जैसे जिम, यहाँ पे किसी बंदे को अगर आ गया है एपिलेप्सी, एपिलेप्टिक अटैक आ गया, सीजर आ गया, आपको सब इतना करना है जहाँ पे वो है वो एरिया को खाली कर दो, बस, ठीक है। उसको कंट्रोल नहीं करना, उसको पकड़ के नहीं रखना, कैसे हिल रहा है रोक के रखो, उसमें चोट पहुँचेगी उसको, ठीक है। अगर उसका उसको रोकोगे कुछ हलचल करने से तो चोट पहुँचेगी, जैसे हिचल नहीं हिल रहा है हिलने दीजिए, आपको बस इतना करना है कि उनको लिटा देना है, आराम से लिटा देना है, अगर आसपास में कोई चोट लगने जैसी चीज़ है जैसे बेंचेस वगैरह तो बेंचेस को दूर कर दीजिए, और सर के नीचे थोड़ा कुशन टाइप जैसे मैट है, मैट रख दिया आपने, या अगर जैकेट है या कोई शर्ट है वो रख दिया, ताकि अगर झटके से ऐसे आ रहा है उनके सर पीछे तो सर पे लगे, बस इतना करना है। चश्मा अगर पहनते हैं तो चश्मा हटा देना, नहीं तो चश्मा अगर आकाश टूट के आँख में चला गया तो पता नहीं, चश्मा हटा देना है। और अगर यहाँ पर कोई टाई पहना है या वो टाइट है, यहाँ अगर जैसे बाहर है यहाँ पर टाई पहना हुआ है या शर्ट का बटन ऐसे बना, तो उसको खोल देना बस, और कुछ नहीं करना है, कोई जूता नहीं सुनना, कुछ मुँह में डालना नहीं, कि अरे लोगों को लगता है कि जबान दबा देगा अपनी, जबान कट जाएगी तो मुँह में कुछ डालो नहीं, उसके अंदर ना तो आपका हाथ कटेगा या तो उसको और ज़्यादा तकलीफ, क्योंकि इतना जोर से उसके अंदर बंद क्या होता है, अगर आप खोएंगे ताकत लगाएंगे तो पहले तो खुलेगा नहीं, इतना जोर से बंद हो जाता है, पूरा लॉक हो जाता है जॉ, पूरा सब मसल कॉन्टैक्ट हो जाता है, टाइट हो जाता है उसके, पूरी तरह से हिला नहीं सकते, तो एकदम जोर से करते हैं। अगर आपने आप खोलने की कोशिश करेंगे तो पहले खुलेगा नहीं, उनके अंदर इंजरी हो जाएगी, अगर खोल भी दिया आपने फट करके बंद हो जाएगा, फिर से एकदम फट करके बंद होगा, अगर तभी आपने उंगली अंदर रखी है उंगली कट जाएगी, कट जाएगी, लिटरली कट जाएगी, ठीक है। तो या तो उसको तकलीफ होगी या तो आपको तकलीफ होगी, आपको कुछ नहीं करना है, बस सब साइड में कर दिया आपने, और सर के नीचे एक कुशन रख दिया, कुछ भी रख दिया ताकि सर में नहीं लगे, और चश्मा हटा दिया, और कुछ नहीं करना,
भी खाना पीना नहीं देना है जब तक तो पूरी तरह से उनको होश नहीं, पूरी तरह से होश आ जाए तो बहुत थके हुए रहेंगे। अगर एकदम से अपने मसल को बहुत कॉन्ट्रैक्ट किए तो लीवर को अपने तो कैसे थक जाते हैं, तो उनका मसल अनकंट्रोल्ड कंट्रोलेबली कॉन्ट्रैक्ट होना चालू हो जाता है। तो जब भी उनको जाग आती है, जब वो होश में आते हैं, जब भी जागते हैं वो, तो बहुत थके हुए होते हैं, और जब भी वो थकते हैं तो उनको प्यास लगी कुछ भी, जब भी वो उठे तभी ही पानी देते, तब तो कुछ नहीं देना। ऐसा नहीं कि हो गया सीजन कम हो गया ये मसल भी रिलैक्स हो गया तो खोल के थोड़ा सा पानी डाल, पता चला वो चोट हो गया और फिर और नया मुसीबत खड़ा हो, ठीक है। और आप एक ही काम है बस, खतरा हटाओ साइड से, चोट लगने जो चीज़ है उसको साइड में, ठीक है। और आपको समय देखना होगा कितना समय लगता है उनको ये सीजन खत्म होने के लिए, ये यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर 5 मिनट से ज़्यादा उनको आ रहा है वो अटैक तो एम्बुलेंस को बुलाना, और आपको रिकॉर्ड रखना है 5 मिनट से कम है तो रिकॉर्ड रखना, फिर 3 मिनट का है, 4 मिनट का है, 4.5 मिनट का है, कि जब वो डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर पूछ सकता है वो पेशेंट को भाई कितना टाइम आपका सीजर है, कितना सीरियस था, उस हिसाब से दवाई दे सकते हैं। तो अगर आपको पूछेंगे तो आप अगर बताएं उनको कि आपको इतना समय सीजर आया था, इतना समय आपको अटैक आ रहा था, तो अगर वो डॉक्टर बोले डॉक्टर ज़्यादा अच्छे से हेल्प कर पाए, ठीक है। तो आपको बस टाइम देखना है कि कितना समय उनको ये अटैक दौरा कितना समय के लिए, कोई जूता कोई कुछ भी बोले अरे जूता सूखा हुआ अरे मुंह में ये रखो, मतलब चुप करो आपको आता है नहीं आता मुझे आता, कुछ नहीं करना है बस, ठीक है। ओके सर, ये इसी इसके इसमें डेथ होने के चांसेस भी बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी नहीं सर, एक डेथ का चांस ये है कि उनको सीजर में आकर जोर से सर कहीं पे लग गया कुछ हो गया और वो इंजरी हो। और ये किस रीजन क्या होता है? रीजन एक ये है, ब्रेन इलेक्ट्रिकल पल्स भेजता है मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, तो ऑल ऑफ अ सडन फॉर सम रीजन कुछ ट्रिगर आ गया और ब्रेन ने एकदम ज़्यादा इलेक्ट्रिक सर्किट्स दे दिए मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने, तो मसल बियॉन्ड कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट करते जाते हैं। कभी आपको होता है कि आप बैठे बैठे मसल पे पैसे पैसा हो रहा है, टांग फड़फड़ा रही है, बस ये उसका 1000 गुना ज़्यादा ऐसा समझ कि उसे कंट्रोल में नहीं, ये कुछ नहीं वगैरह सभी रीजन है। नहीं, ये तो ऐसे कुछ भी कि हाँ ये मतलब रीजन मतलब ऐसा नहीं आपको फिट आ गया, पर ऐसे कुछ वहाँ उधर से ब्रेन इलेक्ट्रिक इम्पल्स आया ब्रेन से आम तक आपको पता नहीं क्यों आ रहा है, ये अननेचुरल इलेक्ट्रिक इम्पल्स है कि आम फड़फड़ा गया, पर इसको ये आप 1000 गुना कर लो और पूरे शरीर में करो कि ब्रेन ने पूरे शरीर में एकदम ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट डाल दिया, उस पर्सन को कोई चोट नहीं आ रही है, कोई दर्द नहीं हो रहा है, कोई तकलीफ नहीं हो रही है, उसे पता भी नहीं इस चीज़ के बारे में। और जब वो होश भी आएंगे ना उनको 4-5 मिनट का कोई होश नहीं था कि आसपास क्या हुआ, कौन क्या बोल रहा था, मैं कहाँ हूँ, क्या था, कुछ उनको होश नहीं रहेगा उससे। और जब उठेंगे तो बहुत थके थके से रहेंगे, जैसे डिसोरिएंटेड रहेंगे, इतनी थकावट आ जाएगी उनके बॉडी में, पूरी तरह से एनर्जी ड्रेन हो चुका रहेगा, उनको कुछ पता नहीं होगा कहाँ हूँ क्या, तो एकदम होना ऐसे सुस्त सुस्त से। आप बस उनकी फैमिली को फ़ोन कर दीजिएगा, फैमिली आएंगी पिकअप करके ले जाएंगी, हॉस्पिटल में ले जाएगा, जैसे तो बस उनके आसपास आ जाए कुछ, इससे कोई खतरा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई डरने की बात नहीं। सर एक ही खतरा है वो आपको दूर करना है कि आसपास चीज़ों से उनको चोट नहीं आ जाए, बस वही एक खतरा है इस चीज़ का, ठीक है। अच्छा अभी अगर यहाँ पे अभी नेक्स्ट जाते डिसलोकेशन या फ्रैक्चर, अगर किसी बंदे का डिसलोकेशन हो गया कोई जॉइंट या कोई बोन फ्रैक्चर हो गया तो क्या करना है, पहले तो डिसलोकेशन और फ्रैक्चर के सिम्टम्स क्या क्या है, कैसे पता चलेगा कि डिसलोकेशन या फ्रैक्चर हो, ठीक है। डिफॉर्मिटी मतलब के हाथ ऐसा हो गया या अंगूठा है ऐसे नीचे गिर गया, डिफॉर्म हो गया, ठीक है। डिफॉर्मिटी के बाद में दर्द, वहाँ पर दर्द बहुत ज़्यादा रहेगा, अंगूठा अगर डिसलोकेट हो गया तो ऐसा नीचे गिर गया बहुत दर्द कर रहा है, फ्रैक्चर हो गया अंगूठा नीचे गिर गया बहुत दर्द हो गया और सूज जाता है हाथ, ठीक है, और वो बंदा हिला नहीं सकता उसको, ठीक है, उस हिस्से को हिला नहीं पाएगा, ठीक है। डिफॉर्मिटी पेन स्वेलिंग इमोबिलिटी, बस इतना डिफरेंस है कि डिसलोकेशन हमेशा जॉइंट पे रहेगा और ज़्यादातर बड़े जॉइंट पे रहेगा, थंब भी कभी कभी हो जाता है, जैसे कि स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं और जोर से ऐसा लग गया और ज़्यादा ये पुश हो गया ठक करके डिसलोकेट हो, ठीक है। लेकिन बड़े बोन्स में भी ज़्यादा हो सकता है, बड़े जॉइंट्स में ज़्यादा होगा, फ्रैक्चर सिर्फ बोन पे होगा जॉइंट पे नहीं होगा, बहुत कम जॉइंट पे फ्रैक्चर है। पर जो भी होगा सिम्टम यही है कि जैसे मेरा ये बोन फ्रैक्चर हुआ था बाइक एक्सीडेंट में तो मेरा हाथ ऐसे हो गया, मैं हाथ हिला नहीं सकता हूँ, दर्द हो रहा है, इधर सूज गया।